बरेली में तैनात उत्तर प्रदेश PCS अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति और ससुराल के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले में ज्योति मौर्य से दहेज उत्पीड़न के सबूत प्रयागराज पुलिस मांग रही है। बता दें, प्रयागराज के धूमनगंज थाने में ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इस मामले में ज्योति ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। दरअसल ताजा घटनाक्रम में हुई जांच के आधार पर अधिकारियों ने अब PCS अधिकारी ज्योति मौर्य से सबूत मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर आलोक मौर्य ने अपनी जान का खतरा बताया है, जिसकी शिकायत वो लगातार करते चले आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप चैट, शादी का कार्ड, ऑडियो वीडियो कई तरीके से वायरल होते हुए लगातार सामने आए, तो वही एक दूसरे पर चीटा कसी भी करते हुए आरोप लगा रहे हैं। ज्योति मौर्य ने 50 लाख रुपए के लिए दहेज उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। आपको बताते चले कि इस मामले में ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य, उनके भाई अशोक मौर्य, विनोद मौर्य और भाभी प्रियंका मौर्य के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है। तो वहीं इस मामले में पुलिस आरोपियों के भी बयान दर्ज कर चुकी है। अब ज्योति मौर्य के बयान और साक्ष्यों को पुलिस जुटाने में लगी हुई है। ज्योति के पति आलोक ने मुख्यमंत्री योगी को शिकायत करी है कि उनकी जान को खतरा है और ज्योति मौर्य उनकी हत्या करा सकती है। इस मामले में सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य के व्हाट्सएप कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लेन देन की एक पूरी लिस्ट भी वायरल हो रही है। ज्योति मौर्य बरेली की एक शुगर मिल में GM पद पर तैनात है। बरेली की PCS अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि भीम आर्मी ने भी शिकायत SSP बरेली को दे दी है। भीम आर्मी का मंडल अध्यक्ष का कहना है कि ज्योति मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो जाति सूचक शब्द कहती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर भीम आर्मी सामने आ गई है।